माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रेशियो एनालिसिस के अंदर जो हम रेशियो पढ़ रहे हैं, वो हम सबसे पहले कौन से रेशियो पढ़ेंगे, लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म रेशियो, याद हो आपको। और लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म रेशियो जो थे वो किसका टाइप थे, आपका क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन था आपका रेशियो एनालिसिस का, रेशियो एनालिसिस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो के अंदर हम आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और ये जो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, हम सोचते हैं लिक्विड रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि एक से ज़्यादा रेशियो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में, एक से ज़्यादा जो रेशियो होते हैं वो कौन से हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। यहाँ पे मैंने करंट रेशियो और क्विक रेशियो को आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाना है। तो यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट रेशियो, कि हमें करंट रेशियो निकालना है। और हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, हमें इन्फॉर्मेशन के अंदर दिया है इन्वेंट्री कितना है आपका रुपीज़, देखो रुपीज़ आपका कितना 50,000 इन्वेंट्री है, ठीक है ना। और ट्रेड रिसीवेबल कितना है 50,000, एडवांस टैक्स कितना है 4,00,000, थोड़ी कैश कितना है आपका 30,000। अब आपको याद हो जब हमने करंट असेट्स पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, करंट असेट्स, तो हमने देखा था कि इन्वेंट्री करंट असेट्स है या फिर नहीं है, बोलो। आप कहेंगे यस सर इन्वेंट्री है। हमने देखा था ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बीआर को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, ये करंट असेट्स है या नहीं है, है। फिर हमने देखा था एडवांस टैक्स करंट असेट्स है या फिर नहीं है। फिर हमने देखा था ये जो कैश इक्विलेंट्स होता है, जो कैश एंड कैश इक्विलेंट्स हैं, ये करंट असेट्स है कि नहीं है, कैश एंड कैश इक्विलेंट्स, जैसे कैश इन एंड कैश एडवाइंग, तो ये भी करंट असेट्स हैं। तो हमने करंट असेट्स के अंदर इन चारों को इंक्लूड करना है, करंट असेट्स के अंदर आपका इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल 50,000, एडवांस टैक्स और कैश एंड इक्विलेंट कितना 30,000। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 1,34,000 करंट असेट्स आ जाएगा। फिर करंट लाइबिलिटीज़ की यदि हम बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स होता है, तो ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटीज़ होता है, नहीं होता है, आप कहेंगे यस सर करंट लाइबिलिटीज़ होता है। जब हम कैश को हम क्या मानते हैं, करंट असेट्स, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लाइबिलिटीज़ मानेंगे, नहीं मानेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ट्रेड रिसीवेबल, जिसके जिसका मींस क्या होता है, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, इन दोनों का टोटल करंट लाइबिलिटीज़ 1,04,000 होगा, नहीं होगा, आपके ये होगा। अब करंट रेशो का यदि हम फॉर्मूला देखें तो क्या है करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, कि करंट असेट्स में हमें किसका डिवाइड करना है, करंट लाइबिलिटीज़ का हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1,34,000 जो करंट असेट्स का टोटल था इन चारों का, उसमें करंट लाइबिलिटीज़ का 1,04,000 का डिवाइड करेंगे, तो 1.29:1 आएगा। और हमने आइडियल रेशियो की जब बात की थी, तो हमने आइडियल रेशियो में देखे थे कि इनके आइडियल रेशियो क्या होते हैं, तो करंट रेशियो जो होता है आइडियल 2:1 होता है, मतलब करंट असेट्स 2 और करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो आपकी 1 हो। ये हमने पहले जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने चीज़ ने डिस्कस की थी, जो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। आप देखें करंट रेशियो 2:1 आइडियल रेशियो है। अब यहाँ पे हम ये देखें कि करंट रेशियो 2:1 है, लेकिन ये आ कितना रहा है 1.29, तो एक्चुअल रेशियो 1.29 इज़ लेस देन 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लिक्विडिटी को चेक कर रहे थे, जो हम लिक्विड रेशियो को हम पढ़ रहे थे, लिक्विडिटी को जो हम चेक कर रहे थे कि कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, जो लिक्विडिटी पोजीशन की जब हम बात कर रहे थे कि कंपनी की लिक्विड जो पोजीशन है वो क्या है, तो हम ये कहें कि कह सकते हैं कि लिक्विड पोजीशन जो है आपकी, वो यदि आइडियल रेशियो से कम जाती है, जैसे आप देखें 2:1 था, 1.5 था वी लिमिटेड का, तो वो अनफेवरेबल था, वो क्या था, अनफेवरेबल या एडवर्स, हमने ऊपर भी लिखा हुआ है अनफेवरेबल या फिर एडवर्स, यदि माइनस में आ रहा है और यदि प्लस में आ रहा है तो वो फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे देखें ये क्या रिजल्ट बता रहा है कि एक्चुअल रेशियो जो है वो कितना है 1.29, ठीक है ना, और जो आइडियल रेशियो है 2 है, तो एक्चुअल रेशियो कम है। इट मे अफेक्ट द क्रेडिट वर्थीनेस, ये कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस को क्या करेगा, एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने किसको समझा, करंट रेशियो को हमने समझा। पेपर में आपको इसी चीज़ को ऐसे क्वेश्चन में हाईलाइट करके नहीं आनी है, ऐसे वर्किंग नोट बना के समझा के आना है, कि कभी आप कहो कि सर ने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो हम भी क्वेश्चन पेपर में हाईलाइट करके क्वेश्चन पेपर को घर पे ले आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे करंट रेशियो आपको लिखना होगा, टू बी कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट असेट्स लिखनी होगी, उसमें इन्वेंट्री है 50,000, ट्रेड रिसीवेबल है 50,000, एडवांस टैक्स है 4,000,
आपका एडवांस टैक्स हो गया था, कैश है 30,000, तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा, ऐसे करंट लाइबिलिटीज जो हैं, ट्रेड पेबल हैं और आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो 1,04,000, 1,04,000, फिर हम करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसे करके हम एक्चुअल रेशियो बताएंगे और उस एक्चुअल रेशियो का हम आइडियल रेशियो से कंपैरिजन भी करके आएंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपकी इच्छा होगी कि सर आपने हमें लिक्विडिटी के अंदर एक तो करंट रेशियो बताया था, दूसरा आपने क्विक रेशियो बताया था, तो एक क्वेश्चन हम क्विक रेशियो का भी कर लेते हैं। आइए देखिए, तो हम चलते हैं अब क्विक रेशियो पे चलेंगे, क्वेश्चन क्विक रेशियो को लेंगे। अब क्विक रेशियो को करने से पहले हमें क्विक रेशियो को समझना भी तो पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम क्वेश्चन यही ले रहे हैं, हम क्विक रेशियो को समझना चाह रहे हैं, तो पहले हमें क्विक रेशियो के बारे में समझना होगा ना कि क्विक रेशियो जो है इसका फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ क्विक रेशियो के फॉर्मूले पर। ये क्विक रेशियो का फॉर्मूला आ गया कि क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन बनता है सर हमें करंट लाइबिलिटीज तो आपने समझा दिया था करंट रेशियो में, हमें क्विक असेट्स समझा दीजिए। तो क्विक असेट्स मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्विक असेट्स होती है उसको हम लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं। क्विक असेट्स लिक्विड असेट्स भी कहलाती है, एसेट असेट्स भी कहलाती है। तो इसमें करना क्या होता है कि जो करंट असेट्स होती है उसमें से हमें तीन चीज़ों को लेस कर देना है। तीन क्या है, तो दो ही, ठीक है ना। हमने तीन एक्स्ट्रा, एक एडवांस टैक्स को लिया है, इन्वेंट्री या स्टॉक को हम लेस कर देंगे करंट असेट्स में से, देखो माइनस का साइन है। प्रीपेड एक्सपेंसिस को लेस कर देंगे, ऐसे कभी कभी प्रीपेड एक्सपेंसिस के प्लेस पे हमें एडवांस टैक्स दे देता है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हम करंट असेट्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बोलो क्विक असेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो अपना क्विक है इसको हम लिक्विड भी बोलते हैं, है ना, इसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। और बच्चों को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि जब पेपर में वो आपसे पूछता है कि मुझे आप लिक्विडिटी रेशियो बताओ, क्या बताओ, लिक्विडिटी रेशियो बताओ, जैसे लिक्विडिटी रेशियो बताओ, तो बच्चे लिक्विडिटी को लिक्विड मानते हुए बता देते हैं, जबकि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर ये दोनों आएंगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है ना। और आपका क्विक, ओनली क्विक वर्ड बोला है तो क्विक रेशियो ही आएगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, वही जो क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सेकंड है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर मैं उसका आंसर जो है आपको क्विक रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन सेकंड में समझाऊंगा। जैसे आप देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिया है इन्होंने, वही करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन, प्रीवियस क्वेश्चन यही था अपना, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि आप करंट असेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बोलो बोलो क्या कर लेंगे, करंट असेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स को लेस कर दें तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, क्विक असेट्स आ जाएंगे अपने पास। तो यहाँ पे हमने करंट असेट्स रखा है क्विक असेट्स निकालने के लिए और माइनस किया है क्या इस क्वेश्चन में, आप ये देखें, एक तो हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री है ना, और प्रीपेड एक्सपेंसेस की फॉर्म में क्या है, एडवांस टैक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, करंट असेट्स का जो टोटल अमाउंट था 1,34,000 हमने कैसे निकाला था, इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल 50-50 1 लाख प्लस एडवांस टैक्स 4,000 प्लस कैश 30,000, तो टोटल कितना आया था, 1,34,000 आपका आया था। और इसमें से माइनस करना है हमें क्या, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड की फॉर्म में एडवांस टैक्स होता है, तो हमने इन्वेंट्री लिया, कितना है अपना, इन्वेंट्री था 50,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने लिया जो कि एडवांस टैक्स की फॉर्म में 4,000 है, तो 54,000 हमें लेस करना है 1,34,000 में से, तो कितना आ जाएगा आपका, 80,000 आएगा। और इसमें करंट लाइबिलिटीज जो थी एज प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखें, तो करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर 1 लाख थे और आपके जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी वो कितनी थी, 4,000, तो 1,04,000 जो था आपका करंट लाइबिलिटीज है। तो करंट असेट्स 80,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000 तो कितना आएगा, 0.77 आएगा। अब हम बात करेंगे ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये क्या है आपका, बोलो बोलो बेटा ये कौन सा रेशियो है, बोलो ये इसका एक्चुअल रेशियो है। और हम जब भी पढ़ते हैं तो मैंने कहा था कि जिनके आइडियल रेशियो हैं हमारे पास, जैसे अपने पास करंट रेशियो का 2:1 था, ऐसे जो क्विक असेट्स और आपका क्विक रेशियो जो था, क्विक असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो रेशियो था वो कितना था आपको याद है, 1:1। जैसा कि हम देखें कि जो अपने पास प्रीवियस जो पेज था वहाँ पे हमने लिखा था कि जो करंट रेशियो है वो 2:1 है और जो क्विक रेशियो है 1:1 है। तो यहाँ पे हम देखें जो कैलकुलेटेड अमाउंट आ रहा है, एक्चुअल अमाउंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 0.77 आ रहा है, और
एक्चुअल रेशियो 0.77 इज लेस देन आइडियल रेशियो, तो ये हम बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी की जो पोजीशन है उसके लिए रिस्की है, क्योंकि ये अनफेवरेबल है, ये कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्विक रेशियो पूछा था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा है अपना। बस हमें ध्यान रखना है कि कैसे रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, उसके कंटेंट क्या है। थैंक यू।